गर्मियों के मौसम को कहेंगे बाय बाय और बारिश के मौसम को वेलकम करने के लिए गर्मा गर्म पकौड़े तो बनते ही है। इस ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म दाल वड़े का मज़ा उठाइए, खाइए और सबको खिलाइए। वेलकम टू रुचा शो, मैं हूँ रुचा भगत। आज हम दाल वड़े बनाएंगे, चने की दाल के दाल वड़े बनाएंगे आज हम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चने की दाल ली है, उसे अच्छी तरह से मैंने 2 से 3 बार धो लिया है। अभी हम इसमें पानी ऐड करके 7 से 8 घंटों के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे के बाद दाल अच्छे से फूल गई है। अभी हम दाल को 2 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। दाल को मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसे क्रश करेंगे। मिक्सी जार में दाल ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके उसे क्रश करेंगे। दाल को हमें दरदरा क्रश करना है, बहुत स्मूथ क्रश नहीं करना है हमें दाल को। बीच में एक बार मिक्सी को खोल लेंगे और स्पून की मदद से सारी दाल जो चिपक जाती है साइड पे, उसे हम निकाल के वापस क्रश कर लेंगे। इसी तरह से क्रश करना है हमें ताकि हमारे दाल वड़े क्रिस्पी बने। देखिए अच्छी तरह से दरदर पीसी है दाल। अभी हम बाउल में निकाल लेंगे इसे। अभी सारे बैटर को हम 2 मिनट के लिए चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। चम्मच की मदद से हम एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे बैटर को ताकि हमारा बैटर थोड़ा फ्लफी हो जाए। अभी हम बैटर को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली है, प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे। 4 हरी मिर्च ली है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अभी इसमें हम मसाला पीसेंगे। तो यहाँ पे हम अदरक और हरी मिर्च को क्रश करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और क्रश कर लेंगे। हमारे घर में सबको दाल वड़े तीखे ही पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अभी क्रश किए हुए मसाले को बैटर में ऐड करेंगे और कटी हुई प्याज को ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे दोनों को। अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड करेंगे और कटी हुई हरी मिर्च को भी ऐड कर लेंगे। बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था, तो इस तरह से हम बैटर को लेंगे और वड़े बनाएंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे और वड़े को पलटाएंगे। वड़े को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हमें इसे लाइट ही रखना है। अभी हम इसे स्लो गैस पे ही पकाएंगे ताकि अंदर से कच्चे ना रहे, अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट के बाद हम वड़े को निकाल लेंगे, साइड में रख देंगे और दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। इसी तरह से करना है वो भी हमें। दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी जो हमने पहले तैयार किया था जो वड़े का बैच, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और वड़े को अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी होने देंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे। इस तरह 2 बार तलने से वड़े थोड़ी ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से एकदम गर्म भी रहते हैं। अभी दूसरे भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं, उसे भी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे।
गर्मा गर्म दाल वड़े के साथ आज हम एंजॉय करेंगे मेरी फेवरेट मसाला पूरी। दाल वड़े, मसाला पूरी, हरी मिर्च, प्याज और पापड़ी के साथ हम आज एंजॉय करेंगे। सबका दिल खुश हो जाएगा आज तो। मैं तो अभी ठंडी ठंडी बारिश के साथ गर्मा गर्म दाल वड़े का मज़ा ले रही हूँ, तो आप भी जाइए ठंडे ठंडे मौसम के साथ गर्मा गर्म दाल वड़े बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। बाय बाय।